भगवान शिव को गाली देने वाले विधायक का हिंदू संगठन ने किया विरोध। भगवान शिव के खिलाफ अपशब्द कहने वाले विधायक के खिलाफ हिंदू संगठन में काफी नाराजगी देखी गई। हिंदू संगठनों ने पुलिस थाने पर झापन सौंपा व कार्रवाई की मांग की। हिंदू संगठन के रूपेन सिंह मंडलोई व कार्यकर्ता ने बताया कि श्योपुर विधायक बाबू जड़ेल ने भारतीय सनातन संस्कृति व करोड़ों हिंदुओं के आराध्य देव भगवान शंकर को गाली देकर धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मिलकर बिस्टन थाने पर टीआई इलाप सिंह मुजालदे को झापन दिया। थाने के सामने नारेबाजी भी की गई। सभी कार्यकर्ता का पहले गायत्री मंदिर में इकट्ठे हुए। इसके पश्चात वहां से रैली निकालकर बिस्टन नगर के थाने पर पहुंचे। हमें दुख हुआ, वेदना का सामना करना पड़ रहा है, धार्मिक भावनाओं भी आहत हुई है। श्योपुर विधायक ने जानबूझकर गाली दी है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि हमारे द्वारा नगर के थाने पर झापन देने के लिए पहुंचे थे, परंतु टीआई इलाप सिंह मुजालदे के द्वारा एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया गया था, जिस कारण से बजरंग दल वह विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा हाईवे पर चक्का जाम कर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। वह हनुमान चालीसा के द्वारा विधायक बाबू जड़ेल को सद्बुद्धि देने की बात कही गई है। हनुमान चालीसा के पाठ के बाद हाईवे को वापस चालू कर दिया गया है। खरगोन से शाहिद खान की रिपोर्ट। प्रदेश के शिवपुर विधानसभा के विधायक बाबू चंडेल, जिसे चंडाल कहेंगे हम लोग, जिसने भगवान शिव जो हिंदू समाज और धर्म के रचेता है उनके खिलाफ उन्होंने ऐसे अभद्र व्यवहार किया है और ऐसी भाषा में उन्होंने टिप्पणी की है, उस बाबू चंडेल के खिलाफ हम थाने पे कार्रवाई करवाने के लिए आवेदन देने आए। क्या आश्वासन मिला है थाने से? यहाँ पे एफआईआर नहीं की है, केवल आवेदन लिया है। इसलिए हमने यहाँ पर रोड को जाम किया हनुमान चालीसा की, ऐसे नीच विधायकों के खिलाफ कार्रवाई हो और इनको भगवान हनुमान जी सद्बुद्धि दे। क्या मांग करते हो? हम एफआईआर की मांग कर रहे हैं, एफआईआर नहीं करिए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अगर एफआईआर नहीं करता तो प्रांत और जिले से बात करके थाने का घेराव करेंगे। क्या शुभ नाम क्या लिखते हो? रूपेन सिंह मंडलोई, जिला सदस्य जनसंघ।